वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो जोड़ा हालात है पंजाब के, वह प्रतख हो जाते इस घर तो कि पंजाब दे की कुछ वापर रहा। एक घर के दो नौजवान, एक पहला नशे ना पूरा होंगे तो एक वो भोग तो पहला ही वह भी पूरा हो जाता। तुम इन्ह मापियां की हालत वेखो। सो हुकूमतों मैं पूछना चाहना भी एक पास असी दावे करते फिरते हैं वे वे कि पंजाब मैं नौजवानों को भड़का रहा, ये जिहड़े नौजवान घरां चों करदे घरां दे घर खाली हो गए ने। आ छोटा जिहा उहदा पुत्तर है, एक धी है। हुण इह हुकूमतां नूं पुछणा चाहीदा वी नशा जिहड़ा विक रिहा है, जे तां तुहाडे वस दी गल नहीं इहनूं बंद करना, फिर असीं तां करावांगे, पर फिर तुसीं चीकां ना मारिओ कि तुसीं किहड़े तरीके नाल करा रहे जो किवें करोगे। मैं जदों पिंडां च जाना नौजवानां नूं अपील करदा अज कि इह घर दी हालात तुसीं वेखो, जिहड़ा नशा है उह बंदे नूं होशोहवास भुला दिंदा वी मेरा फायदा की, नफा की, नुकसान की है। पर अपने माँ प्यो वल झाती मारो, अपनी कौम वल झाती मारो कि साडे माँ प्यो साडे धीआं पुत कि हालातों से गुजरनगे बाद च, तो साडी कौम जे हुण जवान नौजवान ही नहीं रहे तो संघर्ष करना करना, अपने हकों की गल तां करांगे जो कि जवानी बजूगी। सो नौजवानों इस गल दे उत्ते तहैया करो कि इह छड्डिआं तंगी ते तुहानूं आउणी है, पर घट्टो घट अपना निश्चा करो मन, ये अपने इन्हां दे माँ प्यो वल वेखो भी ये इन्हां दा की जीवन है मगरों। सो सारिआं दा ही इदां है, जिहड़े कर रहे उन्हां दी सगों ज़्यादा माड़ी हालत है। उन्हें घरों के लड़ाई झगड़े कुटमार पैसों को खोना फिर बाहर जाके लुटा करनिया, ये सब कुछ नशे से फसे हुए नौजवान करते हैं। उन्होंने अपील है, बड़ी निम्रता सहित बेनती है, तो मैं हाथ जोड़ के उन्होंने बेनती करदा कि तुसीं मुड़ो घरों, गुरु के एक सिख बन के मुड़ो। जी आप गुरु भाई लहर चलाई है, वह भी अर्थ यही मामला कि आप सारे एक दूजे के भरा हैं, तो भरा आप बनना तो जे आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र बनीए, तो इन्हां माँ प्यो की जिंदगी भी सौखी होवे, ना नशे पत्ते करिए। तो धीआं भैणां नूं बेनती है जिहड़ियां अपनियां बीबियां ने, तुसीं अपने भरावां नूं अपने घर वालियां नूं प्रेरित करो भी वह खंडे बाटे की पौल छकण। ये किसी नूं टोकना नहीं, कई मैं सुणिया कई घरां दे विच बीबियां आप कहिंदियां भी नहीं तुसीं इह काम ते नहीं तुरना, सो हुण आह काम ते चंगा नहीं ना जिहड़ा होया जिहड़ा वापर रिहा। सो इस करके ये माँ प्यो का दुख हुकूमत भी वेखे भी ये एक घर है अजे, इतों 3 किलोमीटर दूर एक होर नौजवान कल ही उसकी मौत हुई है, वह संस्कार भी अजे नहीं होया। इदा हूँ हर पिंड दे विच 5-10-20 नौजवान ऐसे है जिहड़े नशे की भेट चढ़ गए, तो जिहड़े बाकी बचे नौजवान हुण इहदे च फसे आ। तो साडा मिशन इहो ही है मौके दे उत्ते कि नौजवानी नूं सांभणा, तो नौजवानी सांभण दे विच हुकूमत बुरी तरह सफल रही है। तो जे असीं इस राह ते तुरे हाँ तो हुकूमत नूं मैं गल कहना चाहुंदा कि जां ते तुसीं इन्हां मां प्यो नूं जवाब दे दिओ आण के, किसे दा पुत गोलियां नाल कतल कर दित्ता जांदा है उहदा का इनसाफ तुहाडे कोल दित्ता नहीं जांदा, जिहड़े गोलियां नाल नहीं मरदे उहनां नूं नशे नाल मार दिंदे जो, उहदा इनसाफ तुहानूं नहीं मिलदा। तो जे कोई धर्म का प्रचार कितने करता तो वो खिलाफ़ तुम प्रापोगंडा करते जो। सो मेरी यह बेनती हुकूमत को भी अपील है कि वो इनू मनन, तो जे कोई नशे के खिलाफ वो मुहिम चला सकते तो चला, नहीं तो असी तो चलानी है, फिर सानू ना यह कहना भी तुम इदा क्यों करते जो उदा क्यों करते जो। सो इन माँ प्यो इन परिवार को भी यही भी हूँ तो गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह का भाणा ही मनिया जा सकता है। तो असं यह उम्मीद करते भी जो नौजवान अज 1.5 साल की उम्र है यो ही गुरु साहब अगर अरदास करते भी जदों ये जवानी के पैर रखे उदू पंजाब यह जहाँ कोड़ ना हो, संघर्ष के जीवन लेखे लग जाए। मेरी इन्होंने बापू जी ने गल हुई कि इन चंगा वह भी घट समा आया भी खाड़कूवाद के साडे घर के घर नौजवान लेखे लगे पंथ के, पर अज उन्होंने समागमों पर जाइए उन्होंने याद करीद, वो मौत जी फिर भी गैरतमंदा की मौत है, शहीदी है। इतने जी मौत हो रही है वो कितने किसी लेखे के नहीं, माँ प्यो बेचारे कह लगे डरते हैं भी साडा पुत कि राह तुर गया, तो लोग पिंड भी आके फिर जिक्र नहीं करते, कितने पर्दा रखना बंद करिए। बिल्कुल जे कोई नौजवान नशे से लगा उहदे माँ प्यो नूं भी खुल के संसार च गल करनी चाहीदी है समाज दे विच, ते बाकी पिंड दे लोकां नूं भी मदद करके नौजवानों ने सिरा तों हटाउणा चाहीदा। धर्म दा प्रचार सब तों वड्डी जरूरत है। सो